अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। आपके पास जो है वो वक्त कम है, एरिया ज्यादा है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे आप? जो समय कम है आपके पास, एरिया बड़ा है, तो कैसे इसकी रूपरेखा तैयार करेंगे आप रणनीति की? रूपरेखा सीधी है, समय कम नहीं है मेरे पास जी, वो सब मेरे लोग हैं जी, मेरे अपने लोग हैं, उनके दिलों में मेरे लिए जगह है, उनको मालूम है कि मैं उनके बीच का आदमी हूँ, मेरी जगह है, मेरी लोकसभा का एक एक आदमी राजवीर सिंह बनके और जा रहा है। जब हमने नॉमिनेशन करा तो आपने भी देखा होगा कि मेरे लोगों ने ये साबित कर दिया कि पूरी लोकसभा इस बार जाति और धर्म से ऊपर उठ के, छोटे और बड़े से ऊपर उठ के, गरीब और अमीर से ऊपर उठ के, और सब लोग मेरे साथ हैं, जो भी लोग वहाँ पर लगे हुए हैं सब राजवीर सिंह बन के लगे हुए हैं। निश्चित तौर से हम इस बार इस सीट को जीतेंगे, और जो उसको जमुना पार बोला जाता है या नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है या जो भी बोला जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम एक साल में वहाँ पे इस स्थिति में पहुँच जाएंगे कि उसको सिर्फ दिल्ली बोला जाएगा। अगर कोई कंपेरिजन दिल्ली का करेगा तो साउथ दिल्ली से भी बेटर वहाँ की स्थिति होगी जी। आपके पास 10 विधानसभा हैं, बुराड़ी है, सीलमपुर है और तिमारपुर है, रोहतास नगर है और घोंडा, गोकुलपुरी, ये सारी 10 की 10, उसमें कैसे आप भागदौड़ करेंगे और किस तरीके से रणनीति तैयार कर रहे हैं, और जो बहुजन समाज को जो बिखरा हुआ है दिल्ली के अंदर उसको एकजुट कैसे करेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है 10 विधानसभाओं में मैं करीब करीब सब में एक बार घूम चुका हूँ, सब में जा चुका हूँ, हर विधानसभा में मेरे अपने बंदे रहते हैं, मैं उनके बीच में जाता हूँ। इन पार्टियों की तरह ढोल लगाने हम नहीं बजाते, हम चुपचाप जाते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, उनसे समस्या सुनते हैं, उनके साथ बैठते हैं, खाते हैं, चाय पीते हैं और वापस आ जाते हैं। वो अपने लोग हैं, सब विधानसभाओं में जा चुके हैं, रोड शो हमारे अभी होने हैं, पद यात्राएं होनी है, सब लोगों के पास मैं पर्सनली जाता हूँ। सबसे जो अच्छी बात है कि ये लोग चल के जाते हैं वोट मांगने और मेरे बंदे मेरे पास आते हैं। जहाँ तक बात है बहुजन समाज की, बहुजन समाज बिल्कुल भी सोया हुआ नहीं है, हमारे सारे लोग जगे हुए हैं, बहुत जोश खरोश से लगे हुए हैं। ये लोग जो पहले जाति और धर्म के नाम पर बांट के और उन लोगों का फायदा उठा लेते थे, निश्चित तौर से अब मैं आ गया हूँ, इनको बिल्कुल भी ऐसा कोई फायदा नहीं उठाने वाला। एक एक मेरा आदमी मेरे साथ रहेगा, पूरा बहुजन मेरे साथ है, पूरा समाज मेरे साथ है, पूरा सर्व समाज हमारे साथ। कपिल जी, जैसे जैसे चुनाव आते हैं वैसे वैसे बहुजन समाज ही नहीं, पूरे सभी लोग इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं, लेकिन जब इलेक्शन देखते हैं तो वो अपना नॉमिनेशन नहीं भरते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज के लोग, मेरे से खुद मिले थे लोग, जो अपनी पार्टी बनाए थे या जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे लेकिन वो आपको समर्थन करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे उनके लिए जो लोग इस तरीके के हैं? देखिए, 3-4 लोग तो जो ऐसे हैं जिन्होंने छोटी मोटी पार्टियाँ बनाई, हमारे लोग हैं, ठीक है, उन्होंने मेरे को टेवन ही आगे और समर्थन दे दिया था। 2-4-5 लोग और ऐसे हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐसे छोटे सब वो लोग समर्थन दे रहे हैं, सबके पास मैं जा रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ कि हम एक हैं, ठीक है, हमें एक रहना चाहिए, एक ही पटल पे आके और अपनी बातें रखनी चाहिए, लोग हमारी बातें सुनेंगी। जो मैं बार बार कहता आया हूँ कि हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, संविधान वाली सरकार बनानी पड़ेगी, संविधान से चलने वाली सरकार बनानी पड़ेगी। जब ये सारी चीज़ें चल जाएंगी तो ये छोटी बड़ी पार्टियाँ, छोटे बड़े संगठन भी नहीं बढ़ेंगे, और ये जो बड़ी पार्टियाँ हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, अपने बेडरूम से राजनीति करते हैं, बेडरूम में अपने नारे लिखते हैं, लोगों को भड़काते हैं, भड़काने का नतीजा ये होता है कि लोग जाति और धर्म में बढ़ जाते हैं, एरिया में बढ़ जाते हैं, देश में बढ़ जाते हैं, स्टेट में बढ़ जाते हैं, और ये लोग अपना काम कर लेते हैं, हमारे लोग बढ़ जाते हैं, उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, गठबंधन, महागठबंधन और जहाँ पे भी पार्टी अकेले लड़ रही है, इस बार पूरे देश में जो है महागठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, और आपको देखने को मिलेगा कि 25 तारीख को जो भारत सरकार उसका पूरे बिस्तर बन जाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।